नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। अभी यह वीडियो शुरू भी नहीं हुआ और इस विशालकाय ब्रह्मांड में करीब 10 तारे सुपरनोवा धमाके से अपना अंत कर चुके होंगे। सुपरनोवा धमाका कोई आम धमाका नहीं होता है। बात हो जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धमाकों की, तो इन सुपरनोवा धमाकों की ताकत वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रोशनी फैलाने वाला यह धमाका मात्र कुछ सेकंडों में इतनी ऊर्जा निकालता है जो हमारा सूर्य अपने पूरे 12 अरब सालों की जिंदगी में निकालेगा। खैर, सुपरनोवा धमाके भी तारों की वजह से ही होते हैं और हमारा सूर्य भी एक तारा है। हालांकि ये इतना भारी तारा नहीं है, लेकिन सूर्य के बचे हुए अपनी जिंदगी के 7 अरब सालों में ऐसा हो सकता है कि ये भी एक विशालकाय तारा बनकर शायद एक सुपरनोवा धमाका कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सूर्य किस तरह से सुपरनोवा धमाका करेगा और धमाका करने के बाद ये हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या हमारे पास इस धमाके से बचने का कोई तरीका होगा या नहीं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब हमारा भारी भरकम सूर्य अपने अंतिम चरण में होगा, तो इस अंतिम चरण में इसका लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि अंदर मौजूद सूर्य की कोर सिकुड़ना शुरू कर देगी। तापमान के बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। अब कार्बन बनने के बाद इसके खत्म होने की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से शुरू होने लगेगी। कार्बन के विलय के बाद ऑक्सीजन, नियोन और मैग्नीशियम जैसे तत्व बनने में मात्र कुछ 100 सालों का समय लगेगा, जिससे हमारे सूर्य की कोर और ज्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगी। नियोन भी कुछ सालों में ही विलय हो जाएगा। ऑक्सीजन भी मात्र कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद आने वाले सिलिकॉन विलय मात्र कुछ दिनों तक ही चलेंगे। सिलिकॉन खत्म होने के दौरान हमारे सूर्य की कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुकी होगी और तापमान भी लगभग 3 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। और अब इसके बाद आएगा सबसे नाजुक दौर। सिलिकॉन विलय के अब चलते हमारे सूर्य में प्रेशर कम होगा और भारी तत्व जैसे कि कोबाल्ट, निकेल और आयरन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पर यह सभी तत्व इतने स्थिर होंगे कि आगे किसी भी प्रकार का विलय रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके बदले में गुरुत्वाकर्षण के जबरदस्त खिंचाव के चलते हमारे सूर्य की घनी कोर ढहने लगेगी और फिर होगा एक बेहद जोरदार विस्फोट और अब हमारा सूर्य सुपरनोवा धमाका कर चुका होगा। इस दौरान अनियंत्रित विलय के चलते कई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनाकर ऊर्जा छोड़ना शुरू करेंगे। ये विलय प्रक्रिया करीब 10 सेकंड तक चलेगी, जिसमें बड़ी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। ये ऊर्जा पदार्थ और प्रतिकण से बने हुए शनि ग्रहों के टकराने वाली ऊर्जा के बराबर होगी। ये वाकई में बहुत ज्यादा है। ये ऊर्जा कॉस्मिक किरणों, तेज गति से निकलने वाले तारे के मैटर की और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकलेगी। ये तीनों प्रकार की चीजें अपने एनर्जी से किसी भी ग्रह पर जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। बात करें कॉस्मिक रेज की, रेडिएशन एनर्जी की, तो ये सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी कि इसे बाहर निकलने में समय लगेगा, जिसके बाद ये प्रकाश की गति से सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएगी। पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से झुलस चुका होगा। इसके ठीक बाद ही तारे का मैटर बेहद तेज गति से पृथ्वी पर बची कुची तबाही मचाना शुरू करेगा और पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ऐसे में जीवन की कल्पना करना तो एक बेवकूफी की बात होगी। तो आप समझ जाए कि इंसान ही क्या, यहाँ पर जानवर भी जीवित नहीं रह सकेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यदि सूरज कोई सुपरनोवा धमाका करता है या किसी और प्रकार का भी धमाके से विस्फोट होता है सूरज में, तो ये पृथ्वी को एक आग का गोला बना देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर भविष्य में हमारा सूर्य सुपरनोवा धमाका करता है या कोई भी भटकता हुआ विशालकाय तारा सौर मंडल के आसपास अपना अंत करता है, तो ये एक पल में ही हमारे पूरे सौर मंडल में प्रलय ला सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।